नमस्कार, समाचार प्लस के खास शो चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ हैं यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी। एरीदा नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार प्लस में। एरीदा, पहला सवाल आपसे यही है कि पूरे देश भर में रीजनल पार्टीज जो हैं वो अपनी मजबूती दिखा रही हैं, उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं? यूकेडी और जो तमाम रीजनल फोर्सेज हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, और रीजनल फोर्सेस के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा। यूकेडी रीजनल फोर्स रही है और यूकेडी का गठन ही उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के लिए हुआ था। ये बात सही है कि हम राज्य बनने के बाद सत्ता में नहीं आए हैं, लेकिन हमारा जो सबसे पहला और सबसे ऐतिहासिक दायित्व था, जिसको हमने स्वयं स्वीकार किया था, अंगीकार किया था, वो था उत्तराखंड राज्य का निर्माण। और हमने, आपको मालूम होगा, 1994 में संयुक्त संघर्ष समिति बनाई, उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा परे करके। उद्देश्य राज्य बनाना था, उद्देश्य पार्टी बनाना नहीं था। 1996 का चुनाव बहिष्कार किया हमने लोकसभा का, इसलिए कि पूरे देश का ध्यान हमारे राज्य के आंदोलन पर जाए। उसमें हमको नुकसान हुआ एज पार्टी। हमको 1994 में संयुक्त संघर्ष समिति बनाना, 1996 में राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा देके चुनाव का बहिष्कार करना, इसने एज अ पार्टी उत्तराखंड आंदोलन को कमजोर किया। लेकिन हमें तसल्ली है, हमें खुशी है कि इन दोनों स्टेप्स में हम आगे बढ़े और हमने राज्य हासिल किया, पूरे देश का ध्यान गया। और सारे लोग जो विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग थे या दूसरे दलों के लोग थे, जो कि उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे दंडे के नीचे नहीं आना चाहते थे, ऐसे आंदोलन में आना चाहते थे, तो हमने कहा ओके ठीक है, अब हम झंडा डंडा अलग करते हैं, उत्तराखंड क्रांति दल नहीं रखते हैं, हम संयुक्त संघर्ष समिति बनाते हैं। वो बनाया, आंदोलन हुआ और राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा भी दिया, वो बहिष्कार हुआ। पूरी तरह सफल नहीं हुआ, लेकिन उसका बहुत जबरदस्त गहरा प्रभाव पड़ा। और 1996 में जो चुनाव हुआ, तो आपको मालूम होगा कि देवी गौड़ा उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले से ये घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य बनाया जाएगा। लेकिन हाँ, अब जो दूसरा सवाल है आपका कि अब उसके बाद एक क्षेत्रीय दल के रूप में ताकतवर नहीं हो पाया है, इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि हमारे क्षेत्रीय दल में कुछ लोगों की, मेरी भी हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, ज्यादा अति महत्वाकांक्षा ने और कुछ ना समझी ने पार्टी में बार बार विघटन का दंश इस पार्टी ने झेला, और जिसके कारण लोगों में ये संदेश गया कि ये राज्य बनाने के लिए, लड़ने के लिए तो ठीक है लेकिन राज्य चलाने के लिए शायद नहीं ठीक है, ऐसा संदेश गया शायद, और जिसकी वजह से हमको मैंडेट नहीं मिला। उसके बाद कई और फैक्टर थे। दूसरा फैक्टर ये भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, कि आपके जो चुनाव हैं वो बिना संसाधनों के नहीं हो सकते। मैं पहला जो चुनाव लड़ा था, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1985 में मैं जीता था, 500 रुपये मेरे खर्च हुए थे, लेकिन आज मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता। तो दो जो संसाधनों का टोटा है, जिसको अभी कोशिश कर रहे हैं हम सभी लोग का सहयोग लेके इसको बढ़ाने का, वो भी एक फैक्टर रहा है जिसकी वजह से हम लोग मजबूत विकल्प नहीं दे पाए। लेकिन एरीदा, आंदोलन की राह तो यूकेडी ने दिखाई, लेकिन राज्य गठन हो गया तो राष्ट्रीय पार्टियां सत्ता में काबिज हैं, क्या जनता में आप मैसेज नहीं दे पाए? मैं कहना चाहता हूं कि राज्य गठन किया उत्तराखंड क्रांति दल ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसके बाद जनता को हम ये संदेश देने में निश्चित तौर पर नाकाम रहे कि हम पॉलिटिकली मैच्योर हैं। हम इस आज भी जो गाये बगाए बाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने पीछे कुछ चीजें कही थी कि इतनी 105 विधानसभा सीटें होनी चाहिए थी, चाहिए इतने लोकसभा क्षेत्र होने चाहिए, इतने जिले होने चाहिए, ये हमने 1992 में अपने ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, उसी की नकल वो कर रहे हैं। तो ये सारा खाका हमने बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से या अपनी कमियों से हम लोग जनता में वो संदेश देने में नाकाम रहे कि ये राज्य की लड़ाई, राज्य का कंसेप्ट, राज्य की मूलभूत जो अवधारणा है वो हमारी है, हम इस तरह से इस राज्य को चलाना चाहते हैं, वो जनता में कम्युनिकेट करने में हम लोग नाकाम रहे हैं। और उसके पीछे संसाधनों की बात भी अपनी जगह पर रही है और थोड़ा पार्टी में लड़ाई झगड़े का भी नहीं, उसमें एक बात ये भी आती है कि आपके जो यूकेडी के तमाम नेता हैं उनकी जो अति महत्वाकांक्षा हैं
उसने भी इस पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं शुरू में कह चुका हूँ कि कुछ अति महत्वाकांक्षी लोग, लेकिन ना समझ लोग, महत्वाकांक्षा हो, समझदारी हो तो वो पॉजिटिव जाता है, महत्वाकांक्षा हो, अति महत्वाकांक्षा हो लेकिन विजन न हो, समझ न हो तो फिर वो डिस्ट्रक्शन की ओर जाती है, वो विघटन की ओर जाती है। तो वही दुर्भाग्य से ही हुआ और ये कमी आई और अब हम इसको एक नए स्वरूप में ला रहे हैं। हमने युवा हाथों को नेतृत्व सौंपा है और युवा लोग काफ़ी संख्या में इस पार्टी से जुड़ रहे हैं और जो बाहर में उत्तराखंड के प्रवासी लोग हैं जो चाहते हैं कि उत्तराखंड में जो दुखी हैं भाजपा और कांग्रेस के कुशासन से, इनकी लूट खसोट से और इनके इस तमाम तरह के राजनीतिक षड्यंत्रों से जो लोग त्रस्त हैं, वो ठीक है वो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, पुणे कहीं भी रहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारा, हम यहाँ पर ठीक हैं लेकिन हमारा घर भी ठीक रहना चाहिए, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो आज हमने उनसे भी अपील की है कि अगर आप अपना घर ठीक देखना चाहते हो तो भाजपा और कांग्रेस के मुकाबला करने के लिए यूपीडी को ताकत दो, मजबूती दो ताकि हम लोग आए तो जो राज्य आप चाहते हैं, जिसकी कल्पना हमारे डॉक्टर डी डी पंत या हमारे इंद्रमणि बडोनी जी ने या जसवंत सिंह दृष्टि जी ने या स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी ने की और हमारे शहीदों ने की, उसका, उसकी ओर हम इस राज्य को ले जाएंगे। लेकिन इरिदा, एक आरोप यूकेडी के नेताओं पर भी लगता है कि भाई जब जब ये चुनाव जीत के आए तब तब सत्ता के साथ ये लग गए, पहले बीजेपी के साथ फिर कांग्रेस के साथ। 2007 में बीजेपी का समर्थन किया, 9 बिंदु पर हमने समर्थन किया, सत्ता के लिए नहीं किया। हमारे वो जो मूल सरोकार थे उत्तराखंड से संबंधित, उन्हीं सरोकारों को लेकर वो 9 बिंदु हमने बनाए। उसमें से बीजेपी ने 2 या 3 चीजों पर हमारी बात मानी, बाकी बिंदु पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हमने समर्थन वापस ले लिया। कब लिया सर? 6 महीने पहले आपने समर्थन वापस लिया? तो समर्थन वापस भाजपा से हमने साल 1.5 साल पहले ले लिया था, लेकिन लेकिन हमारे मंत्री जी इसको नहीं माने और मंत्री जी बने रहे और अंततोगत्वा मंत्री जी ने भाजपा के चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी अलग हो गई थी। पार्टी ने उनको अल्टीमेटम दिया था बीजेपी को कि ये बातें मानते हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अलग हो जाएंगे। तो 2007 का समर्थन ये था। 2012 में जब चुनाव हुआ तो हमारी एक ही सीट थी और उस वक्त भी एक स्थिर सरकार बनाने के लिए समर्थन की जरूरत थी। हमने उन्हीं शर्तों के साथ, उन्हीं मुद्दों के साथ कांग्रेस को समर्थन दिया और हमारे मंत्री जी तो आज भी सरकार में हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमारे उन मुद्दों को तो छोड़ दिया है, कई और चीज़ें राजधानी को लेके थोड़ा बहुत प्रपंच जरूर कर रहे हैं ये जो हमारा मुख्य मुद्दा है, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेके हम ये कहें कि नहीं सरकार में हम सहयोग दिया है हमने। तो उत्तराखंड के सरोकार से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका समाधान हो रहा है ऐसा दिखाई नहीं देता है। लेकिन अब चूंकि हमारे मंत्री जी पीडीएफ के कोटे में हैं, एक पीडीएफ नया गुट बना है विधानसभा में, तो अब ज़्यादातर वो फैसले उसी पीडीएफ के अंतर्गत लेते हैं, पार्टी नहीं भी चाहती है तो पीडीएफ के हिसाब से वो चलते हैं, तो अभी यही स्थिति है। इसलिए ये कहना कि हमने कोई सत्ता के लालच में या कोई अपना हित साधने के लिए सत्ता को समर्थन दिया है, ऐसा नहीं है। एक संवैधानिक, एक राजनीतिक उत्तरदायित्व था 2007 में भी, 2012 में भी, अस्थिरता ना आए, सरकार बने, उसमें हमने सहयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता में रह के जो फायदा पार्टी को मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, पार्टी को नुकसान हुआ है और व्यक्तियों को फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं, इसमें एक सवाल ये भी तो उठता है कि आपने जिन बिंदुओं पर सरकारों को समर्थन दिया वो भी तो पूरे नहीं हुए, ज्यादातर वो अनसुलझे रह गए और परिसंपत्तियां, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कोई बोलने तक को तैयार नहीं। बीजेपी ने तो गैरसैंण राजधानी के मुद्दे पर बोला तक नहीं कुछ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए हमने, पार्टी ने तो समर्थन वापस ले लिया था लेकिन जो सरकार में मंत्री थे वो वापस नहीं आए और अंततोगत्वा वो बीजेपी में चले गए। अब हम इससे उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते थे, यही स्थिति अभी भी है। हम उनको बहुत ज्यादा निर्देश नहीं दे सकते हैं, उन्होंने एक है वैसे भी, तुम समझते हो तो 100% है और वैसे वो पार्टी लाइन में चलते हैं, हाँ पार्टी की गतिविधियों में ज्यादा सम्मिलित नहीं है ये जरूर है, और पार्टी के जो मुद्दे हैं उनको वो कैबिनेट में या कहीं पर प्रेस करते हैं या नहीं करते हैं इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमको इससे संतुष्टि नहीं है। नहीं तो वो तो ज्यादातर
वो खुद भी कहते हुए नजर आते हैं कि मैं यूकेडी में नहीं हूँ, मैं तो अब बाहर ही हूँ। उनका एक कहना ये है कि मैं क्षेत्रीय ताकत के साथ हूँ, क्षेत्रीय दल से जीत के आया हूँ, तो ये ठीक है। उनका अपना राजनीतिक आकलन है, राजनीतिक मैनेजमेंट है, उस पर मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। एरिदा, यूकेडी असली किसकी, नकली किसकी, इन मुद्दों पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है और बीच में कभी कोई खड़ा हो जाता है, कभी कोई भारत निर्वाचन आयोग की बात करता है, आप बोलते हैं हम असली हैं, त्रिवेंद्र सिंह पंवार कहते हैं वो असली हैं, क्या किस तरीके से देखते हैं इसे? ये कहीं ना कहीं एक यूकेडी की साख पे भी बट्टा लगाने का काम करते हैं। इससे साख में बहुत बट्टा लगा है और जो भाई ऐसा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। वो एजेंडा किसका हो सकता है? वो भाजपा का एजेंडा हो सकता है, वो कांग्रेस का एजेंडा हो सकता है, उनके इशारों पर हो रहा है या उनके स्पॉन्सरशिप में हो रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन काम वही हो रहा है कि यूकेडी को जितना ज्यादा हो सकता है उसको डैमेज करो, इस पॉलिसी पे वो चल रहे हैं। उनका कोई स्टेक नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग, हमारे पास लिखित है भारत निर्वाचन आयोग का कि ये उत्तराखंड कांडल ये पार्टी है जिसके अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी हैं और इस पार्टी को चुनाव चिन्ह कुर्सी जो फ्रीज हुआ था हमारा झगड़े के कारण वो दिया जा सकता है, उसका एक प्रोसीजर है, जब चुनाव डिक्लेयर होंगे तो अप्लाई करेंगे उसको मिलेगा। इतना क्लियर कट होने के बावजूद भी अब आप ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और एक भाई आके कहता मैं उत्तराखंड कांडल का अध्यक्ष हूँ। एक पत्रकार मित्र से मैंने पूछा कि यार कम से कम ये तो जानो कि वो है कौन, उनके पीछे कौन लोग हैं, कितने लोग हैं और वो कैसे बन गए उत्तराखंड कांडल के अध्यक्ष। तो पत्रकार भाई ने ये कहा कि भाई जी हम उनसे सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते, जो कह रहा हमने छापना है वो छप जाता है। तो ये स्थिति है, उसको बनाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। निश्चित तौर पर हमारे अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उन्होंने जिस तरह से, मैंने कहा कि पता नहीं कौन उनको एजेंडा अपना पूरा करवाने में इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने उस लाइन पर काम करना शुरू किया, अधिवेशन नहीं किया तो फिर हमने उनको पार्टी से हटा के अलग से अधिवेशन करके नया अध्यक्ष चुना और वो काफ़ी लंबा समय हो गया है। और आप अगर ईमानदारी से सर्वे करवाएं तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि इनके साथ कितने लोग हैं। एक दर्जन भी नहीं है, पांच छह भी नहीं है, दो तीन लोग हैं, वही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब वो जनता में जाता है तो जनता समझती है इनके गुट हैं, गुट माने तो एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, उसका एक वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, एक व्यक्ति है उसके साथ दो एक लोग और हैं, वो ऐसा जनता में संदेश देते हैं कि ये गुट है, फलाना गुट है। हकीकत में गुट कोई नहीं है, ये चुनाव आयोग ने भी लिखित रूप में इसको माना है। एरिदा, आपको ऐसा नहीं लगता कि यूकेडी जो है वो जल जंगल जमीन के जो अपने मुद्दे हैं उनसे कहीं भटक सी गई है और अपने अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा लड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का अस्तित्व, ये जो मूलभूत आपने बात की है जल जंगल जमीन की, उससे जुड़ा हुआ है। यूकेडी की पहचान, यूकेडी की ब्रांड वैल्यू आंदोलन है, इसको मैं मानता हूँ। आज भी जब कहीं समस्या होती है किसी इलाके में, गांव में, तो लोग कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया नहीं कहती है, वो कहती है उत्तराखंड वाले क्रांति दल वाले कहाँ गए, क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक हमारी इमेज है, ये हमारी एक ब्रांड इमेज है कि यूकेडी आंदोलन करने वाली पार्टी है। अब क्या है कि जो समस्या, जो मूलभूत समस्या से हट गई यूकेडी, जो आपका सवाल है, ऐसा नहीं है। हम समय समय पर, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो, इन मुद्दों को उठाते रहते हैं और इनके लिए जो बहुत आंदोलन किया जा सकता है करते हैं। लेकिन एक तो क्या है कि अब वो चीज़ें ऐसी हो गई कि आप आंदोलन करते 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 हमारा कैडर भी समझता है कब तक आंदोलन करें, एक थोड़ी सी निराशा ही आ गई है, उसको रिचार्ज करने की जरूरत है, जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं लगातार। अभी हमने पूरा अभियान चलाया, उत्तराखंड बचाओ उत्तराखंड बसाओ, दो साल से ये हम अभियान चला रहे हैं। इसके तहत हम विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें जल जमीन जंगल के मुद्दे बहुत प्रमुखता से उठे हैं। आपको मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि उसके बाद आज आप देख रहे हैं कि हमारे जोशी जी हैं, जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता है NGO हेस्को के, उन्होंने गांव बचाओ अभियान चलाया, गांव बचाओ उसी का रूप है। तो बेसिकली ये चीज़ हमने शुरू की और आज वो
थोड़े दूसरे स्वरूप में लोग उसको कर रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा कोई आंदोलन जो होना चाहिए यूकेडी की तरफ से, जो आपने राज्य आंदोलन खड़ा किया, राज्य आंदोलन, राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, वो उसके बाद राज्य गठन के बाद आपको कोई बड़ा आंदोलन दिखाई भी नहीं? निश्चित तौर पर ये आपकी भी शिकायत सही है और बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि भाई एक बड़े आंदोलन की जरूरत है जिसको यूकेडी को करना चाहिए था लेकिन नहीं किया है, इसको हम भी महसूस करते हैं। तो हम लोग, मैंने कहा कि अलग अलग टुकड़ों में तो हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन समग्र रूप से एक पूरे उत्तराखंड, अखिल उत्तराखंड स्तर का एक जबरदस्त आंदोलन इन मुद्दों को लेकर नहीं हुआ है जिसकी आवश्यकता है। और अब चूंकि चुनाव नजदीक है, मैं कोशिश तो हमारी ये है कि किया जाए, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी मंशा है कि इन मुद्दों की ओर जनता को ध्यान आकर्षित करने के लिए झकझोरा जाए और एक जबरदस्त आंदोलन किया जाए का भी प्लान हम लोग कर रहे हैं। और कितना बड़ा होगा, कब होगा, ये नहीं कह सकते क्योंकि अब चुनाव की तैयारी में भी हम लोग जुटे हुए हैं। राज्य गठन हुआ, कई नेताओं को उसका फायदा हुआ, लेकिन पर्सनली व्यक्तिगत रूप से लगता है कि काशी सिंह एरी को इसका नुकसान हुआ? इस सवाल का जवाब जो आप कह रहे हैं उसको, वो मेरे दिल को लग रही है, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा तो मैं अपने ही सिद्धांतों पर अपना कालिक पोतने का काम करूंगा। ये हुआ है, ये हकीकत है, लेकिन उसके लिए मैं बजाय और सोचने के मैं कहूँगा कि हमारे अंदर कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि जो सबसे ज़्यादा राज्य विरोधी थे वही मुख्यमंत्री बने हैं। मैं कहूँ तो एक एक का नाम लेकर घटना, नित्यानंद स्वामी जी नंबर एक, उसके बाद मेरी लास्ट जो जिन्होंने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का बहिष्कार का गुब्बारा फोड़ा था पहली बार, नित्यानंद स्वामी जी ने, स्वर्गीय हो गए, मुझे माफ करें उनकी आत्मा, वो पहले मुख्यमंत्री बने, उनको इनाम मिला। एनडी तिवारी जिन्होंने कहा था कि राज्य मेरी लाश में बनेगा, वो उनको दूसरा इनाम मिला। तीसरा इनाम मिला खंडूरी जी, जो भाजपा के नाते भाजपा में आए, भाजपा उत्तराखंड राज्य की घोर विरोधी थी और खंडूरी जी की वजह से, उनके लेटर की वजह से रामपुर तिराकांड हुआ था, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने। उसके बाद विजय बहुगुणा जी आए। हाँ, विजय बहुगुणा जी का राजनीतिक कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन वो राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के उसमें उन्होंने हमारा समर्थन किया था, अब जितना भी था समर्थन, जैसा भी था। फिर हरीश रावत जी, आप जानते हैं कि दिल्ली की रैली को फेल करने में हरीश रावत जी की कितनी बड़ी भूमिका रही है 2 अक्टूबर 1994 में, वो आज मुख्यमंत्री हैं। निसंग जी हैं, वो भी राज्य विरोधी रहे हैं हमेशा। तो मैंने एक फहरिस्त गिनाया और उसके बाद जितने भी ये नेता बने हैं जो सभापति नहीं बन सकते थे वो मंत्री बन गए हैं, उनको तो फायदा हो ही गया है। आप तो यूपी में विधायक थे और आपकी तो तूती बोलती थी उत्तराखंड पूरे इस पहाड़ के इलाके में, बिल्कुल। आपको इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको व्यक्तिगत नुकसान? हाँ, मैंने कहा कि मैं महसूस कर सकता हूँ लेकिन कह कुछ नहीं सकता हूँ, और हकीकत यही है, सारा सीन यही है। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि 2017 के चुनाव में आप यूकेडी की स्थिति किस तरीके से देखते हैं? सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे इस बार? यूकेडी तो पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हम 70 सीटों में अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे, एक। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रीजनल फोर्सेस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में हो, चाहे वो सामाजिक या जन संगठनों के रूप में हो, उनसे भी एका करके हम लोग मोर्चा बनाने की बात भी कर रहे हैं। अभी एक नया मोर्चा बना है, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा, उनसे भी हम लोग बात करेंगे, परिवर्तन पार्टी से बात करेंगे, CPI, CPM, CPIML, इन लोगों से भी बात करेंगे। और अभी जो आपका एक आउटफिट यहाँ है जो स्वराज अभियान के रूप में है, जो पहले संघर्षवाणी में जुड़े थे लोग, वो इसमें मेरे ख्याल से आजकल वो स्वराज अभियान में है, जो प्रशांत भूषण जी का और ये योगेंद्र यादव जी का है। तो उनसे भी हम लोग बात करके कोशिश ये करेंगे कि चुनाव से पूर्व हम एक ऐसी सहमति बनाएं कि वोट बिखरे नहीं, उत्तराखंड के सरोकारों से ताल्लुक रखने वाले, उनके लिए कभी ना कभी किसी न किसी रूप में लड़ने वाले, भाजपा कांग्रेस से तो नहीं होगा, मतलब ही नहीं होता ना उनसे, तो मतलब ही नहीं है, इनके खिलाफ ही वो मोर्चा बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन प्रीतम पवार जी जो आपके मंत्री जी हैं, उनका तो रवैया थोड़ा ऐसा लगता है कि हालांकि वो बोल रहे हैं कि मैं रीजनल फोर्स वाला हूँ,
लेकिन लगता है कि उनका गठबंधन कांग्रेस से हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, ये भी हवा में तहराया जा रहा है कि भाई वो वहां से लड़ेंगे तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करेगी। ये हरीश राव जी का बयान भी पढ़ा था मैंने इस आशय का, और लोग कहने के लिए तो हमसे भी कहते हैं जैसा आपने कहा कि हम उनको लड़ा रहे हैं, तो ये हकीकत नहीं है। अब आने वाले समय में चुनाव से पहले प्रीतम पवार जी क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, हमारी ओर से तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो यूकेडी के हैं, हम मानते हैं यूकेडी में चुनाव लड़ेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। वो फैसला क्या करते हैं ये उन पर आप छोड़ दीजिए। एक सवाल ये भी उठता है कि आपकी सत्ता में जो भी आपका मंत्री जाता है वो फिर यूकेडी का नहीं रह जाता? हाँ, उत्तर प्रदेश में एक हम जब थे तो जो उपाध्यक्ष होता था अपोजिशन का होता था, और अपोजिशन में जब उपाध्यक्ष बनते थे तो नेक्स्ट चुनाव में वो सत्ता उस पार्टी में चले जाते थे, तो ये माना जाता था कि जो उपाध्यक्ष हुआ तो गया भी हो ये। तो कुछ ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, ये इसको इत्तफाक कहें, दुर्भाग्य कहें, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चाहे दिवाकर भट्ट हों, चाहे प्रीतम पवार हों, चाहे ओम गोपाल हों, ये वो चेहरे थे जो उत्तराखंड आंदोलन वाले थे और यूकेडी के चेहरे कहे जाते थे, आप लोगों ने भी सहेजने की कोशिश की इन्हें? हमने, पार्टी ने सहेजने की पूरी कोशिश की, और एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत हो सकती होगी, उसमें कोई कमी रही होगी, लेकिन दुर्भाग्य से वो सहेज नहीं पाए। सही बात यह है, अगर सहेजते तो यूकेडी के चेहरे भी आज यूकेडी के साथ होते, और यूकेडी का सत्ता का जितना भी हिस्सेदारी थी हमारी उसका लाभ भी होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हुई है इसमें। जहाँ उस व्यक्ति विशेष की जो सत्ता में गए मंत्री बने, उनकी कमी भी हो सकती है और पार्टी की कमी भी हो सकती है, इसमें चिंतन मंथन की जरूरत है और हमको आत्मलोचना करनी चाहिए। गैरसैंण का मुद्दा आप लोगों के लिए हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है, बीजेपी ने तो चलिए उसको छुआ तक नहीं, कांग्रेस ने छुआ और फिर बातें ये भी की कि हम राजधानी बनाने जा रहे हैं, लेकिन फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये कहा गया कि भाई अब स्थापना निर्माण हो जाए तब देखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये यहाँ भी भुलावे वाली स्थिति है कि भाई? मैं तो उसको भुलावे, मैं और तीखा शब्द इस्तेमाल करता हूँ, प्रपंच कर रहे हैं। असल बात क्या है, चाहे वो विजय बगुणा ने शुरुआत की, चाहे जो हरीश रावत आज कर रहे हैं, बीजेपी तो इस मामले में टोटली प्रपंचकारी है, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने जो शुरुआत की है, वहाँ कैबिनेट बैठक बुलाना, वहाँ विधानसभा सत्र बुलाना, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये हम ये कह रहे हैं कि ये ढकोसला और प्रपंच इसलिए कहते हैं कि भारत सरकार का शासनादेश है, जब राज्य बना था जिस पर अस्थाई राजधानी टेम्पररी कैपिटल देहरादून बनाई गई थी, और ये उसी में लिखा हुआ है कि स्थाई राजधानी यानी परमानेंट कैपिटल के लिए चुनी हुई विधानसभा फैसला करेगी, और वो आज तक वो प्रस्ताव किसी भी सरकार की ओर से नहीं आया है। और आप गैरसैंण में ये सारा नाटक कर रहे हैं, गैरसैंण में जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस जीओ के हिसाब से जब राजधानी घोषित होगी तब आप कर सकते हैं, वरना ये पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये टेक्निकली भी गलत है वहाँ पैसा खर्च करना, उससे पहले जो आवश्यकता है वो ये है कि इसको परमानेंट कैपिटल घोषित करे सरकार, विधानसभा में प्रस्ताव लाए, वहाँ इसको सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित होता तो ठीक है, बहुमत से प्रस्ताव पारित होता तो ठीक है, वहाँ से पारित करे, तब आपका वहाँ का वहाँ पर पैसा खर्च करना, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जस्टिफाइड है, टेक्निकली सही है, वरना गलत है और राजनीतिक प्रपंच है। क्या आपको लगता है कि सरकार ऐसा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की, कभी सरकार ऐसा करेगी कि राजधानी गैरसैंण हो जाए? मुझे तो बहुत ही इसमें संदेह है, क्योंकि एक ही पार्टी के कुछ लोग गैरसैंण की बात करते हैं, कुछ लोग गैरसैंण के खिलाफ बात करते हैं, इन दोनों में यही ट्रेंड है। वो पूरा विरोधियों को भी खुश करो और उनको भी खुश करो, ये वो है, वो मनसा नहीं है, नियत नहीं है, और नियत नहीं होगी तो आप इसको इस फैसला कर नहीं सकते हैं। और उत्तराखंड की जनता को अगर सही है गैरसैंण राजधानी, तो उनको यूकेडी को मैंडेट देना चाहिए, और जिस दिन यूकेडी को मैंडेट मिलेगा या इतना मैंडेट मिलेगा कि यूकेडी के बिना कोई हिल नहीं सकता है, उस दिन राजधानी गैरसैंण घोषित होगी, राजधानी गैरसैंण चलेगी। एरिदा, बातचीत को यहीं विराम देंगे। चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते किसी और शख्सियत से होंगे हम रूबरू, तब तक के लिए ताजतरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।